हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए हम इस वीडियो में जीके साइंस एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं, जो कि सभी एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, इसका ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। राइट आंसर ए, दैनिक गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। राइट आंसर ए, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह है। ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। उम्मीद है कि सभी को इसका आंसर पता होगा, कमेंट करके जरूर बताएं हमें इसका आंसर। सी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अन्य। ऑप्शन बी हिंद महासागर में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। राइट आंसर डी लोहा और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। ऑप्शन फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर बी रूसी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ऑप्शन जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। राइट आंसर बी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। राइट आंसर सी अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। राइट आंसर बी समतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ए समतल, उत्तल, अवतल, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, डी समतल उत्तल। राइट आंसर डी समतल उत्तल। ये सभी जीके साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे या नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट राइट आंसर ए उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। राइट आंसर सी सीधा और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा, डी एल्यूमिनियम। राइट आंसर बी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है।
ऑप्शन आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। दोस्तों जो लोग वीडियो अच्छे से देखा है उनको पता होगा इसका आंसर, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, ए छूकर, बी जलाकर, सी NaOH से क्रिया करा के, डी HSO से क्रिया करा के। राइट आंसर बी जलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। ऑप्शन घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। राइट आंसर ए घट जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। गलत कथन कौन सा है, लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। इसका राइट आंसर सी पारा पानी पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, डी ए सी बी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, ए सामान्य नमक, बी समुद्र नमक, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। राइट आंसर ए सामान्य नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगती है, ए फेरिक ऑक्साइड से, बी जलयोजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, डी उपर्युक्त सभी के कारण। राइट आंसर डी उपर्युक्त सभी के कारण जंग लगती है लोहे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की। इंसुलिन की खोज की थी, ए बेंटिंग ने, बी डोमेक ने, सी रोनाल्ड रॉस ने, डी हार्वे ने। राइट आंसर ए बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। कौन सी ईंधन गैस नहीं है, ऑप्शन ए भाप अंगार गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हास गैस, डी मार्स गैस। राइट आंसर सी हास गैस। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, ए विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, ऑप्शन उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए उष्मा के बुरे अवशोषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, ए मोनानाइट, बी एंथासाइट, सी बॉक्साइट, डी थोरियम। राइट आंसर बी सी बॉक्साइट। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और जो लोग गवर्नमेंट सभी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।